हेलो फ्रेंड्स जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ पादप रोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है और यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है तो इसका करेक्ट आंसर होगा फफूंदी फ्रेंड्स फफूंदी को कवक भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे फंगस भी कहा जाता है और यह एक जीव है और अपना भोजन सड़े गले जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं और फ्रेंड्स इनका जो लाभ होता है वो अपमार्जक के रूप में कार्य करना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू का डाइबैक रोग का कारण क्या होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा तांबा की कमी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर नींबू की बात आई है तो नींबू के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं फ्रेंड्स नींबू पे विटामिन सी पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है जो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जामों में साइट्रस लिमोन और यह एक रूटेसी कुल का है और इसका रासायनिक सूत्र है एच ओ सी एच ओ सी और कुष्टक पे सी एच टू सी ओ टू और एच और बाहर टू यह इसका रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बाजरा बाजरा के कारण होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाजरा की बात आई है तो बाजरा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं हम इसका उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है और यह एक मोटा अनाज है और इसका उत्पादन प्रागैतिहासिक काल से ही प्रारंभ है फ्रेंड्स खरीफ की फसल है यह और इसमें जो गुड़ पाया जाता है प्रोटीन अमीनो अम्ल पाया जाता है और कैंसर कारक टॉक्सिन नहीं बनते हैं इसमें और इसका साइंटिफिक नेम है पेनिसिटम ग्लैकम और एक और वैज्ञानिक नाम है इसका पेनिसिटम टाइफोडियम तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली से तो फ्रेंड्स यहाँ पे मूंगफली की बात आई है तो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है एराकिस हाइपोजिया जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो आप वैज्ञानिक नाम को याद रखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह फेबिसकुल का है और इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है मांस की तुलना में वन पॉइंट फाइव गुना अधिक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता की कमी के कारण होता है फ्रेंड्स जस्ता एक रासायनिक तत्व है और संक्रमण धातु का समूह है जस्ता रासायनिक दृष्टि से जो इसके गुड़ हैं जस्ता के वह मैग्नीशियम से मिलता जुलता है और फ्रेंड्स जस्ता को जेडेन से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो परमाणु संख्या है वह है तीस है नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है करेक्ट आंसर होगा हरे सवाल के कारण इसे एलगी कहा जाता है और यह एक है फ्रेंड्स सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा अपने भोजन यह स्वयं बनाते हैं और नमी वाली जगह में यह पाया जाता है और इसके अध्ययन को सैवाली की कहा जाता है और इंग्लिश में इसे फाइकोलॉजी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीवाणु के कारण ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा और यह एक सूक्ष्म जीव है और एक कोशिकीय जीव है और इंग्लिश में इसे बैक्टीरिया कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटरपिलर ऑप्शन सी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलीबग किस फसल से संबंधित है करेक्ट आंसर होगा सरसों से फ्रेंड्स यह एक कृषि फेरी कुल का है और यह पत्री पौधा है और इसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिका कंपेस्ट्रीस है और यह एक वर्षीय पादप है नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का अर्धपतन रोग किसके कारण होता है तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीथियम डिबेरियनम ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि रोग किससे संबंधित है करेक्ट आंसर होगा इसका सेब से संबंधित है फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए धन्यवाद